अग्रवाल, एक बार फिर से आपसे रूबरू हो रही हूँ। इस समय मैं आपको लेके चलूंगी कुतुब मीनार। आइए चलिए। इसका निर्माण 1210 ईस्वी में हुआ था। इसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। ये दुनिया की सबसे लंबी इमारत है। इसकी ऊंचाई 120 मीटर है और इसको बनाने में लाल पत्थर और मार्बल का प्रयोग किया गया है। तो आप लोग देख रहे हैं मेरे पीछे एक दरवाजा है जिसके ऊपर ताला लगा हुआ है। इसके पीछे की जो मेन वजह है वो ये है, 1984 में यहाँ कुछ स्कूल के बच्चे आए थे पिकनिक के लिए, जिसके लाइट ना होने के कारण यहाँ पर कुछ दुर्घटना हो गई जिससे काफी बच्चों की यहाँ पे मौत हो गई। उसी वजह से यहाँ पे सरकार ने इसको बंद कर दिया है। और कुछ पैरानोमिस्ट विशेषज्ञ का मानना है यहाँ पे कुछ अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज भी होती हैं। चलिए सब छोड़िए, हम आगे चलते हैं कुतुब कॉम्प्लेक्स। तो अब हम कुतुब कॉम्प्लेक्स की तरफ आ चुके हैं। कुतुब मीनार थोड़ा हमने जितना हमने देखा बहुत था। अब हम कुतुब कॉम्प्लेक्स के बारे में आपको थोड़ा बता दूं। यहाँ पे आप देख ही रहे हैं मेरे साथ साथ, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अद्भुत शिल्पकारी है और यहाँ पे तरह तरह की नक्काशी भी हुई हुई है। तो आप यहाँ पे आके यहाँ इस जगह का लुत्फ उठा सकते हैं। और आइए अब मैं आपको लेके चलती हूँ अशोका स्तंभ की ओर, जिसे हम लोह स्तंभ भी कहते हैं, जिसकी ऊंचाई लगभग 7 मीटर के दौरान है। और आश्चर्यजनक बात यह है कि इसको बनाने में जिन जिन धातुओं का प्रयोग किया गया है, जिनके कारण इसमें कभी जंग नहीं लगती। तो अब मैं आपको लेके चलती हूँ इल्तुतमिश की कब्र की ओर, और इसमें मेरा साथ देंगी मेरी मित्र, मेरी सहपाठी ज्योति। आगे का सफर आप उनके साथ तय कीजिए और जाइएगा नहीं, मैं आपके साथ अंत में मिलूंगी। हाय दोस्तों, मैं ज्योति। जैसा श्वेता ने आपको बताया था मेरे बारे में, अब हम चलते हैं कब्र की ओर और उसके बाद अलाई मीनार की ओर, जहाँ पे श्वेता हमारा साथ देगी। जैसे कि मैं अभी खड़ी हूँ एक मकबरे की तरफ और ये इमाम मोहम्मद अली का मकबरा है। आइए जरा एक नजर मारते हैं। चलिए अब मैं आपको ले चलती हूँ अलाई मीनार की तरफ, जहाँ पे श्वेता हमारा इंतजार कर रही है। तो चलिए। तो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये है अलाई मीनार, जिसको हूबहू कुतुब मीनार की तरह बनाने की कोशिश की गई थी। चलिए दोस्तों, हम इतनी गहराई में नहीं जाते हैं। होप सो जितना हमने सफर तय किया आपको उसमें मजा आया होगा, और मेरी कोशिश पूरी रहेगी कि हम दोनों दोबारा किसी नए प्रोजेक्ट के साथ मिले। प्लीज दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड लाइक भी।